हेलो दोस्तों, मेरे को काफ़ी स्टूडेंट्स के पर्सनल व्हाट्सएप मैसेजेस और जो ये पर्टिकुलर चैनल, इस पे भी काफ़ी बार मैंने कमेंट्स में पढ़ा कि कई स्टूडेंट्स को इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी कि हिमाचल जो जुडिशरी एग्ज़ाम है उसको इजीली क्रैक करने के लिए स्टूडेंट्स को क्या क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए और कौन से सब्जेक्ट्स, क्या पर्टिकुलर सोर्स, कौन से पर्टिकुलर सेक्शंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि आप जुडिशियल एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। दोस्तों, एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी हम जुडिशरी की बात करते हैं, ये जो टैग है जुडिशियल ऑफिसर का, अपने आप में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। और जैसा कि हम कॉलेजेस में या किसी भी तरह के एग्ज़ाम में जब हम सोचते हैं कि हम कुछ सिलेक्टेड पोर्शन पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, तो ये एग्ज़ाम में ये पर्टिकुलर थॉट अडॉप्ट करना एक गलत फहमी है। इससे एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाएगा। जो 100% सक्सेस अप्रोच है वो है कि जितना देर आप, जितनी बार आप उसको, जो बेयर एक्ट्स हैं लॉज के, जितनी रेपिटेशन देंगे, जितना आप उसको रिवाइज करेंगे, उतना आपका उन सब्जेक्ट्स पे होल्ड बनेगा। बट स्टिल, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कम दिन रहने की वजह से, कि आपको अब गिने चुने दिनों में सक्सेस अप्रोच के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, किस वे से तैयारी करनी चाहिए। और फ्रेंड्स, ये सिर्फ रिकमेंडेशन बेस्ड वीडियो है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं तो आपको 50-60% क्वेश्चंस एग्ज़ाम में इजीली आपके क्रैक हो पाएँ। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर इस स्ट्रेटेजी से आप पढ़ते हैं, मे बी थोड़ा जो परसेंटेज है वो क्वेश्चंस का कम हो सकता है। बट स्टिल, अगर आप इस स्ट्रेटजी से पढ़ते हैं या ये तरीका आप अडॉप्ट करते हैं, तो आपको 100% अपने पढ़ने के तरीके में और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको काफ़ी चेंजेस दिखेंगे अपने आप में, अगर आप ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस वे से प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप अपने चांसेस बढ़ा पाएं हिमाचल का जुडिशरी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। सबसे पहली बात, जो मैंने पहले भी कुछ वीडियोस पोस्ट की कि आप जब भी कोई जुडिशियल एग्ज़ाम की बात करते हैं, और इन स्पेसिफिक अगर मैं हिमाचल की भी बात करूं, आपको जो बेयर एक्ट के इंडेक्स हैं, कौन सा सेक्शन कहाँ पे मेंशनड है, और जब कोई नए सेक्शंस ऐड हुए, जैसे जो आईपीसी में 354, 376 की अमेंडमेंट्स, 326 की अमेंडमेंट जो 2013 वाली अमेंडमेंट्स है क्रिमिनल लॉ की, इसके अलावा जो रीसेंट केस लॉज हैं, आपको ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे मेंशनड है। तो अगर आप अपने चांसेस बढ़ाना चाहते हैं, आपको व्हाट यू कैन डू इज, हर रोज मॉर्निंग आप एक बार सारे के सारे इंडेक्स 2-3 घंटे लगा के उसको रीड कीजिए। उससे ये होगा कि जब आप तीसरे या चौथे दिन फिर से इंडेक्स रीड करेंगे सारे के सारे, अगर फर्स्ट डे आपको 2 या 2.5 घंटे लगे, सेकंड डे आपका टाइम कम होता चला जाएगा, और जैसे ही एग्ज़ाम में 2-3 दिन रह जाएंगे, आप देखेंगे कि आप तकरीबन 1 या 1.5 घंटे में सारे के सारे लॉज एक बार अच्छे से रिवाइज कर पा रहे हैं। सो इट्स बेटर टू गेट इन टच विद द इंडेक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट। तो इसका बेस्ट तरीका है कि आप इनको एक बार जेरोक्स करवा लीजिए, हर लॉ के जो इंडेक्स वाले पेजेस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, कुछ भी ऐसा चूजी क्राइटेरिया ना अडॉप्ट कीजिए। जो लोकल एक्ट्स हैं, ये एक तरह के लॉटरी सिस्टम है, क्योंकि इनके, जितना मैंने नोटिस किया, ये सब जो क्वेश्चंस हैं लोकल एक्ट्स के, 60-70% क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं, और हेडिंग्स एज इट इज पुट की जाती हैं बहुत बार। तो आप लोकल एक्ट्स के जो हेडिंग्स, डेफिनेशन सेक्शंस, जो थोड़े अथॉरिटीज़ के रिगार्डिंग सेक्शन डील करते हैं, उनको आप ज़रूर चेक कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने कुछ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की वीडियोस पोस्ट की थी 12-13, और फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, उनको आप एक बार लिंक में चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, आपको थोड़ा आइडिया होगा कि आप इस वे से प्रिपरेशन कीजिए एग्ज़ाम के लिए। और सभी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ आप अपना फोकस बड़े सब्जेक्ट्स या लोकल लॉज को साइड पे ना रखिए,
रादर सारे सब्जेक्ट्स साइड बाय साइड गो थ्रू कीजिए और थोड़ा फास्ट रिवीजन कीजिए ताकि आपकी सारे की सारी चीज़ें जल्दी रिवाइज हो पाएं। नेक्स्ट बात मैं करना चाहूँगा कि ये जो पार्ट बहुत स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पुट किया कि सर जो डिफरेंट लॉज हैं कौन सा लॉ इम्पोर्टेंट है, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से ज़्यादा क्वेश्चन पुट किए जाते हैं हिमाचल के लिए, या इस एग्ज़ाम में हम ये बेयर एक्ट ये पढ़ें या ना पढ़ें, क्या इस सब्जेक्ट को स्किप किया जा सकता है। तो मेरा आंसर यही है कि आप सभी लॉज को एक इम्पोर्टेंस दीजिए, बट आपको मैं एडवाइस देना चाहूँगा, मैंने कुछ रिकमेंडेशन बेसिस पे आपको बोलूँगा कि आप एटलीस्ट इन चीज़ों को तो पढ़ के ही जाइए 100%। इसके अलावा अगर आप सारे बेरेक्स पढ़ चुके हैं या जो एडिशनल मैटर आप ऑलरेडी कर चुके हैं वो आपका एक एज है, उससे ऑब्वियसली जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं मे बी उनको 2 या 3 या 4 क्वेश्चंस वैसे नहीं आते होंगे जो अगर आपने पूरा बेरेक पढ़ा है तो आपको वो अच्छे से आते होंगे। तो मैं 1 by 1 डिफरेंट लॉज की बात करूँगा जिसमें आप कम से कम इन इन कंटेंट्स को कवर कीजिए ताकि आप अपना एटलीस्ट जो मेरे अकॉर्डिंग आप अपना 60-70% पेपर इजीली कवर कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोर्ट्स एक्ट की। मैंने रैंडम सब्जेक्ट्स पिक किए हैं, सिविल लॉ 1 या 2 ऐसा सीक्वेंस में नहीं है। मैं एक जनरल ओपिनियन दूंगा आपको हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, इस ओपिनियन को फॉलो करना या नहीं करना आई एडवाइस कि आप एक बार पूरा बेयर एक्ट जल्दी जल्दी से रीड करने के बाद तब आप इस कोर कंटेंट को रीड कीजिए। मतलब ये वो कंटेंट है जो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा अगर आप बेयर एक्ट पूरा पूरा पढ़ना चाहते हैं इट इज़ ऑलवेज योर डिस्क्रिप्शन। कोर्ट्स एक्ट, तो इसमें जो अथॉरिटीज़ हैं जैसे किस कोर्ट की क्या पार है या कौन से पर्टिकुलर कोर्ट्स के रिगार्डिंग, तो ये जनरल क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर मार्क कीजिए। नेक्स्ट जो स्टैम्प्स एक्ट है इसका डेफिनेशन पार्ट और अथॉरिटीज़ के रिगार्डिंग किस अथॉरिटी का क्या रोल है, इनको ज़रूर एक बार गो थ्रू कीजिए। जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है इसमें सबसे पहली बात सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, 8, सेक्शन 12, अपार्ट फ्रॉम दिस सेक्शन 25 के बाद इन कंटिन्यूटी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कौन सा सेक्शन कहाँ पे मेंशन्ड है। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने बोले 5, 6, 7, 8, 12, देन आफ्टर यू कैन कॉल इवन 15 सेक्शन 25, 26, 27 डिक्रीज, राइट। तो इन केसेस में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट शुड बी ऑन योर टिप्स। तो ये वाले पर्टिकुलर सेक्शन उसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट थे, बाकी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का कहीं से भी कोई भी सेक्शन पुट किया जा सकता है। और इस सब्जेक्ट में थोड़े चांसेस ये रहते हैं कि सेक्शन नंबर्स ज़्यादा पुट किए जाते हैं। नेक्स्ट, हाँ, जो हिमाचल का प्रोसीजर है इसमें अगर हम रिसेंट ऑब्वियसली जो एज अ थर्ड पर्सन हम जो पेपर के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि पिछले सालों से ये ट्रेंड चल रहा है और वो ट्रेंड काफ़ी हद तक फॉलो भी किया जाता है, और अगर हम कहें कि ऑल टुगेदर पेपर में बहुत मेजर चेंजेस आए, बट जो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना इसमें से कभी ऐसा नहीं कि बिल्कुल पेपर नहीं पुट किया जाएगा। तो आप जो रिसेंट केस लॉज हैं कम से कम 2017-2018 वाले आप इनको ज़रूर गो थ्रू कीजिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हैं। तो अगर कोई इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं उनको एक बार गो थ्रू कीजिए, क्योंकि व्हाट आई गेस इज 3-4 क्वेश्चंस नॉर्मली कम से कम केस लॉज के रिगार्डिंग पुट किए जाते हैं, चाहे वो सिविल लॉ 1 है 2 है या क्रिमिनल लॉ है। अब मैं बात करूँगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द सेक्शन नंबर्स तो 1 से लेकर 30 तक, उसमें भी अगर मैं बात करूँ रिगार्डिंग कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन नंबर्स है सारे, इवन कंसिडरेशन, एक्सेप्शंस टू इट, तो 1 to 30 तो इसका कोर एरिया है जो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या मेंशनड है। जैसे कि इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको बेलमेंट, इंडेमनिटी, गारंटी, एजेंसी, इनके कम से कम आपको डेफिनेशन सेक्शन ज़रूर पता हो, प्लस जो ये सारा कोर एरिया है 1 to 30 इसकी सिंगल इलस्ट्रेशन हैज़ टू बी कवर्ड फॉर एवरी स्टेट, तो आप इनको ज़रूर कवर कीजिए। इसके बाद
जो लिमिटेशन एक्ट है, देखिए लिमिटेशन एक्ट में सिर्फ जो पर्टिकुलर सेक्शन नंबर्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन मेंशनड है, जो स्केड्यूल में मेंशनड है, बट द पॉइंट हियर इज प्रैक्टिकली सारे पीरियड्स याद करना बेसिकली पॉसिबल नहीं है इस टाइम पे। तो अगर आपने अपने बेयर एक्ट में जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आपने वो मार्क किया है, सिर्फ उनका लिमिटेशन पीरियड याद कीजिए और लिमिटेशन एक्ट के पूरे मतलब बेसिकली जो सेक्शन की हेडिंग है आपको बताओ किस सेक्शन में क्या कवर्ड है। अब जब हम रेंट एक्ट की बात करते हैं तो जो रेंट एक्ट है, कोर्ट एक्ट है, स्टैंप एक्ट है, इनमें जो अथॉरिटीज का रोल वो आपको पता होना चाहिए, फाइन पनिशमेंट या कितने साल की जो चीज़ें मेंशन है रिगार्डिंग द नंबर्स, यू शुड बी थॉरली, आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए, थॉरली आपके टिप्स पे ये चीज़ें होनी चाहिए कहाँ पे क्या मेंशन है। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदू लॉ की, तो इसमें तो मैं रिकमेंड करूँगा कि हिंदू लॉज के रिगार्डिंग क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़े कंसाइज एक्ट्स हैं एज फार एज द नंबर ऑफ सेक्शंस आर कंसर्न, तो आपको पर्टिकुलरली हर चीज़ आपको एक बार गो थ्रू करनी चाहिए हिंदू लॉ के रिगार्डिंग। नेक्स्ट मैं बात करूँगा जो हिमाचल के एग्जाम्स के लिए सिविल प्रोसीजर कोड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जहाँ तक ये चीज़ देखी जाए, जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करते हैं और इवन आज की डेट का जो ट्रेंड है, सिविल लॉज की बहुत इंपॉर्टेंस है उसमें। आप सिर्फ, इफ आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ सेक्शन नंबर या सिलेक्टेड पोर्शन ही कवर नहीं कर सकते, रादर आपको एक बार सारे के सारे 158 सेक्शंस, ईच एंड एवरी ऑर्डर, एटलीस्ट ऑर्डर नंबर 1 to 10, 27 ऑनवर्ड्स आपको एक बार गो थ्रू करने चाहिए सभी ऑर्डर्स, एटलीस्ट सभी ऑर्डर्स की हेडिंग्स याद हो आपको। रूल्स मैं इस स्टेज पर रिकमेंड नहीं करूँगा, बट जो ऑर्डर 1 to 10, अपार्ट फ्रॉम इट जो ऑर्डर 25 के बाद और टिल ऑर्डर 37, आपको इनके रूल्स एक बार गो थ्रू करने होंगे। और जैसे कि ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन, इन चीज़ों में भी आपको एक बार रीडिंग देनी होगी कहाँ पे क्या कवर्ड है और टाइम पीरियड कितना है। तो सीपीसी पढ़ने का बेस्ट तरीका ये है, आप जो पीरियड नंबर्स हैं, पीरियड नंबर्स, जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, जो ऑर्डर नंबर्स हैं, इनका एक चार्ट बनाइए और रोज़ ट्राई कीजिए कि आप जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक बार पूरे का पूरा सीपीसी की जो हेडिंग्स आपने क्रिएट की हैं, मतलब जो चार्ट की फॉर्म में जहाँ पे कोई पीरियड मेंशन है, कोई सेक्शन नंबर आपको याद नहीं हो रहा, उसका एक आप ओवरऑल 2 या 3 पेजेस पे ब्रीफ नोट्स बनाइए ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर पाएँ। और सीपीसी का इंपॉर्टेंट रोल है एज फार एज दिस एग्जाम इज कंसर्न, आई वुड सजेस्ट कि सीपीसी आप उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं एविडेंस एक्ट की, एविडेंस एक्ट भी पूरे का पूरा कवर होगा और इसमें सिर्फ एविडेंस एक्ट के सेक्शंस ही नहीं, रादर आपको इलस्ट्रेशंस भी कवर करनी होंगी। नेक्स्ट इंडियन पिनल कोड का, इसमें आप सेक्शंस जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्शन 1 से लेकर 120 तक, उसके बाद जो इन बिटवीन इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं कुछ सिलेक्टेड, अपार्ट फ्रॉम इट थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकॉयटी, जो भी ऑफेंसेस हैं इनकी पनिशमेंट्स भी आपको एक बार गो थ्रू करनी होंगी। और जो 2013 के बाद की अमेंडमेंट्स हैं वो आपको एक बार अच्छे से सेक्शन नंबर किस पार्ट में क्या कवर्ड है और उनकी पनिशमेंट्स अच्छे से गो थ्रू करनी होंगी। और आईपीसी में लैंडमार्क केसेस का इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे सेक्शन 34, 35, थेट, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, जो बेसिक सब कंसेप्ट्स हैं। ऑब्वियसली आई थिंक अगर आप कोई भी अच्छी बुक किताब जैसे कि केडी गौर, राइट, इसके अलावा अगर आप एक बार बेयर एक्ट भी गो थ्रू कर रहे हैं तो सेक्शन नंबर, उसका कंटेंट, उसकी इलस्ट्रेशंस और लैंडमार्क केसेस आपको एक बार गो थ्रू करने होंगे एज फार एज इंडियन पिनल कोड इज कंसर्न। और कुछ मैंने वीडियोस लिंक में प्रोवाइड किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक बार आईपीसी की वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फॉरेस्ट एक्ट है, वाइल्ड लाइफ एक्ट है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इसके रिगार्डिंग मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, आप एक बार उस कंटेंट को गो थ्रू कीजिए और अगर आप के पास अगर लगता है कि आपकी बाकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो आप एक बार जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके सारे के सारे सेक्शंस एक बार आपको गो थ्रू करने होंगे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट मैं आप एक चीज़ आपको बताऊंगा कि जो मैंने पहले भी ये चीज़ बोली कि जो सिविल लॉ 1 है, मतलब पहले मैंने सिविल प्रोसीजर कोड की सिर्फ बात की थी,
बट जो इन स्पेसिफिक जो सिविल लॉ वन का चंक है, आप इसको एज पर माई रिकमेंडेशन आप एक बार इसको प्रिपेयर कीजिए, फिर आप क्रिमिनल लॉ प्रिपेयर कीजिए, ताकि जब आप क्रिमिनल लॉ के नॉर्मली एक रफ सा आइडिया है 50-60% क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन में से या डायरेक्ट किसी तरह की डेफिनेशन में से या फिर सेक्शन की हेडिंग से कौन सी चीज़ किस सेक्शन में कवर्ड है। उसके अलावा जब हम बोलते हैं कोई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में के इट कुड बी जो इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं, जैसे जो चंक है इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल का एक बार ओवरव्यू लेना होगा, चार्जेस का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सब का एक बार आपको अच्छे से ओवरव्यू लेना होगा क्रिमिनल पार्ट में, क्योंकि उसमें थोड़ा एक्सपेक्टेड ऐसा रहता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। बट सिविल लॉ में कई बार क्योंकि सिलेबस काफ़ी कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है तो कन्फ्यूजिंग पार्ट रहता है, तो आप उसको बार बार रिपीट कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूज़ ना हो। जब भी आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो मेरा लास्ट रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप अपने पूरे दिन को डिवाइड कीजिए। सबसे पहली बात आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप इनिशियली हर रोज़ तैयारी स्टार्ट करते हैं, एक बार सारे के सारे लॉज के 2-3 घंटे लगा के इंडेक्स को गो थ्रू कीजिए, ताकि यू आर वेल वर्स कि कहाँ पे क्या चीज़ कवर्ड है, और ऑटोमेटिकली 1-2-4 दिन बाद आपको बेरेक्स याद होने स्टार्ट होंगे इंडेक्स और सीक्वेंस में। अपार्ट फ्रॉम इट, आप अपने दिन को ऐसा प्लान कीजिए ताकि अगर आपको लगता है कि आपकी सिविल लॉ वन की प्रिपरेशन कम है, उसको थोड़ा पार्ट ज़्यादा दीजिए 4-5 घंटे, और अगर आपको लगता है क्रिमिनल लॉ की कम है उसको ज़्यादा वेटेज दीजिए, अकॉर्डिंगली एज पर योर कन्वीनियंस जौन सा लॉ आपको वीक लग रहा है। और अगर आपको लगता है कि आपकी सारी प्रिपरेशन बराबर चल रही है, तो आप पूरे दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, ताकि तीनों जो पर्टिकुलर लॉज हैं एज अ हेड आपकी प्रिपरेशन पैरेलल चलती रहे। और स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कीजिए और इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि उनको भी थोड़े जो बेसिकली हिंट मिल पाए जो एज फार एज एग्ज़ाम इज़ कंसर्न। किसी की हेल्प करने से ये होगा, मे बी कोई ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं पता वो आपसे शेयर करेगा, आपकी नॉलेज ऐड होगी। तो आप इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए और वो भी जुडिशियल एग्ज़ाम में अच्छा रैंक हासिल कर पाएँ। थैंक्स अ लॉट।